बहराइच से खबर लेते हैं, जहां पर बहराइच केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। बहराइच में कल तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई है, कल तक कार्रवाई ना करने का आदेश दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से खबरें ये आई थी कि जो भी इसमें संलिप्त है बहराइच मामले में उस पर बुलडोजर एक्शन होगा, लेकिन अब इस आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश आ गया है। बहराइच में कल तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई है, कल तक कार्रवाई ना करने का आदेश जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट तक। तो बहराइच केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, बुलडोजर की कार्रवाई कल तक के लिए रोक दी गई है, क्योंकि जो भी इसमें आरोपी थे या फिर जिनकी संलिप्तता इस पूरे बहराइच कांड से जुड़ी हुई थी, कहा यह जा रहा था कि उनकी संपत्तियों को चेक किया जाएगा और फिर उसके बाद अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन वहां पर पाया जाता है या किसी तरह से वहां पर गैर कानूनी तरीके से अगर प्रॉपर्टी को लेकर कुछ खबर मिलती है तो बुलडोजर एक्शन होगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर कल तक के लिए रोक लगा दी है। बहराइच में कल तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई है, कल तक कार्रवाई ना करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, अमित शाह जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। वो एक मेहनती नेता हैं जिन्होंने अपना जीवन भाजपा को मजबूत करने में समर्पित कर दिया। उन्होंने एक असाधारण प्रशासक के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई है और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। मैं उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गृहमंत्री अमित शाह को उनके जन्मदिन की बधाई दी है। नड्डा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। राष्ट्र के प्रति आपका परिश्रम, समर्थन, संगठन, कुशलता हम सभी को कोटिश है, भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। देश के गृहमंत्री के रूप में राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा में आपका उल्लेखनीय योगदान अविस्मरणीय है। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं यशस्वी जीवन की कामना करता हूं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन है। सीएम योगी ने भी अमित शाह को फोन पर जन्मदिन की बधाई दी है और शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने एक्स पर उन्हें बधाई देते हुए लिखा कि अनुशासन और कर्मठता के जीवंत प्रतीक, करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत, सहकार से समृद्ध भाव से निरंतर चरित्रार्थ कर रहे हैं। लोकप्रिय जननेता, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। समृद्ध, सुरक्षित और सशक्त राष्ट्र के निर्माण हेतु आपकी प्रतिबद्धता ने मां भारती को निरंतर गौरवान्वित किया है। प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की प्रार्थना करता हूं। वहीं अगर पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की, तो उन्होंने भी अमित शाह को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सिंह धामी ने एक्स पर लिखा, अमित शाह को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपके सशक्त नेतृत्व ने देश में आंतरिक सुरक्षा को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया और कश्मीर को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में आपका एक बड़ा योगदान है। भगवान बद्री विशाल से आपके लंबे और मंगलमय जीवन की कामना। और अगर रक्षा मंत्री की बात की जाए, तो उन्होंने भी गृहमंत्री अमित शाह को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें बधाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गृहमंत्री एक्स पर लिखा कि अत्यंत कर्मठ एवं परिश्रमी नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। वो भारत की आंतरिक सुरक्षा को सशक्त करने में पूरे मनयोग से जुड़े हुए हैं। भारत और भाजपा दोनों के विकास और उत्थान में जिस तरह का परिश्रम वो कर रहे हैं वो सराहनीय है। मैं उनके दीर्घायु होने और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।
और अब रामपुर से खबर लेते हैं, जहां पर संदिग्ध हालत में एक झोपड़ी में आग लग गई। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मामला थाना भोट के खुंटा खेड़ा का बताया जा रहा है, जहां पर संदिग्ध हालात में आग लगाई। बताया जा रहा है कि ये आग एक झोपड़ी में लगी। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो आग लगने की वजह बचा का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। झोपड़ी में भीषण आग लग गई और आग ने पूरी तरह से झोपड़ी को जला दिया। और एटा से खबर, जहां पर दीवार गिरने से हादसा हुआ है। मलबे में दबने से किसान की मौत हो गई। हादसा थाना पिलुआ क्षेत्र के नगला बूला में हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मलबे में दबने से किसान की मौत हो गई। अचानक दीवार गिरी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। घटना ये हुई है, दीवार आए थे धान बेच के। कौन आए थे? इंद्र कुमार। ये कौन है आपके? ये हमारे चाचा के लड़के हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? हारे तके आए थे वहाँ से जी, चारपाई लगा के वहाँ दीवार पे बैठ गए, किनारे जी लेट गए। दीवार अचानक दीवार गिरी है। अच्छा, दीवार गिर के दब गए। जब तक हम लोगों ने भागम दौड़ की तब तक दब गए, वहाँ वही घटना घट गई। अच्छा, मौके पर कोई पुलिस प्रशासन पहुँचा था? पहुँचे तो थे उसके अधिकारी। पहुँचे जी? कौन कौन पहुँचा? पीडीओ एसओजी पहुँचे थे जी, और 100 नंबर वाले पहुँचे थे। अच्छा अच्छा।